हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज संडे और आप देख रहे हैं संडे फंडे वीडियोस। ओके दोस्तों, आज संडे है, याद है ना, आज आपका दिन है, मतलब आप लोग आज यहां पे परफॉर्म करोगे, मैं सिर्फ आप लोग को सपोर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम उन तीन कलाकार से आप लोग का रूबरू कराते हैं जो कि इस वीक अपनी प्रोफाइल शेयर किए थे और साथ ही साथ मोनोलॉग शेयर किए। वैसे शेयर तो बहुत सारे लोग ने किए थे, ये टॉप थ्री है। ओके, तो अगर आप लोग को भी आना है यहाँ पे तो आपको अपनी प्रोफाइल हमको शेयर करनी पड़ेगी। वो कैसे शेयर करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में समझा दूंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना रहेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पहले इन तीन कलाकारों के आप वीडियो देख लो कि कैसा इन लोग ने अपनी प्रोफाइल बनाई है या कैसे अपने इन्होंने मोनोलॉग शेयर किया। ओके, और अगर आप भी कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाहते हो तो करना क्या है मैं बताऊं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक लिंक www.thestruggler.in, वहां पे जाके सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल शेयर कर देना। जो वीडियो अभी आप देखोगे ना, इन लोग से मैं यही कह रहा हूं, यही वीडियो आप अपनी कास्टिंग डायरेक्टर को भी शेयर करना, और कुछ नहीं करना रहेगा। और साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी शेयर कर देना, और कुछ नहीं। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखना www.thestruggler.in, और ये वीडियो भी जरूर जाके देख लेना, आप लोग को पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करनी है। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज उन तीन कलाकारों से आप लोग का रूबरू कराना। जो हमारे सबसे पहले कलाकार हैं उनका नाम है आशीष सिंह। उन्होंने निगेटिव कैरेक्टर बहुत ही प्यारा निभाया है। आइए चलिए पहले हम लोग इनकी वीडियो देखते हैं। ओके, तो मैं प्ले कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पे देखना। चलो मैं गया था तेरे घर, वहां पता चला तू किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है, पर तू तो यहां चिपके बैठा है, किससे भाग रहा है? मुझसे? तेरा वो दोस्त था ना, क्या नाम है उसका? वो डेनियल, तेरा बिजनेस पार्टनर। मार दिया मैंने उसको, अब तक तो पुलिस कंप्लेन भी लिखी जा चुकी होगी उसकी, लेकिन बॉडी नहीं मिलेगी। मेरे दिमाग में आया कि तुझको भी मार दूं, डर मत, तुझे मैं जिंदा रखूंगा अपने फायदे के लिए। तू जैसे रघु को चीट करता है ना, करता रहे, प्रॉफिट का 90% मेरा, 10% तेरा। 10% बहुत है तेरे लिए, औकात मेरा है, समझा? तो कैसा लगा आप लोग का इनका परफॉर्मेंस? आशीष सिंह का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। अगर आप लोग ने इनकी पूरी वीडियो देखा होगा, जो कॉस्ट्यूम था, जो उन्होंने सिगरेट पिया, जो सिगरेट पीते पीते का हाँ का जो डायलॉग था ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर आप लोग भी कभी मोनोलॉग बना रहे हो तो कोशिश करो कि इस तरह थोड़ा प्रोफेशनल होकर बनाओगे ना, तो बहुत ही जल्दी काम मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे पहले कलाकार आशीष सिंह। आप लोग इनको जाके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। ओके, और चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे कलाकार की ओर जिनका नाम है भुवन शाह। आइए इनकी वीडियो देखते हैं। वैसे तो ये चंडीगढ़ से हैं, आइए पहले इनकी वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। सर ये भी तो हो सकता है मिस्टर माथुर, सही कह रहे हो, जब ये बड़े घर के लोगों की बेटियों की अचानक मौत होती है ना, तो इन पे कुछ ना कोई फॉल प्लेस एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। सर इतने साल का एक्सपीरियंस है ना मेरा, इतने केस देखे हैं नरामियों के साथ रहते रहते, अब तो बस थिंकिंग भी ऐसी हो गई है। सॉरी सॉरी सर, माफ करना, आज सुबह मैंने बीपी की गोली नहीं खाई तो कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, सॉरी सर, माफ करना। आप लोग ने इनका भी वीडियो देखा होगा, ये मेरे ख्याल से एक हवलदार का कैरेक्टर कर रहे थे।
ठीक था, बड़ा अच्छा था, मतलब और इसको फनी बना सकते थे और इसको और तरीके से कर सकते थे, पर जैसा था बहुत ही बेहतरीन था। अगर आप लोग भी इनका ये वीडियो यूज करना चाहते हो तो करना क्या है, आप लोग को बस इसको स्क्रिप्ट को ऐसे लिखना है और खुद परफॉर्म करके मेरे को शेयर करना है, फिर या कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर देना, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा thestruggler.in करके, वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कर देना। ठीक, तो ये हमारे दो कलाकार हुए। तीसरे कलाकार हैं विवेक कुमार, आइए इनकी वीडियो देखते हैं, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है। चलिए इनकी भी वीडियो देख लेते हैं पहले। हर वीडियो में सिगरेट ही पी जा रही है आज के। देखो ब्रदर, अपना फंडा सिंपल है, एक ही लाइफ है, मजे में जीने का, टाइम पास करने का, एंजॉय करने का। अरे काम काम काम, किसको दिखाने का ये काम। अरे साबित क्या करने का है, ऐसा क्या वो खा लोगे साला, अरबों की आबादी में एक आध दो जन ने नहीं भी किया कुछ काम तो चलेगा, कोई सुनामी नहीं आ जाएगी इसकी वजह से, पर माँ और पापा का कौन समझाए। तो ठीक है, जाने का शॉप पे, बैठने का, मोबाइल में पबजी खेलने का, फिल्म विल्म देखने का, शाम को वापस घर, वैसे भी घर पे फिल्म विल्म देखने के अलावा। अरे नहीं ना भाई, क्या बोलती पब्लिक। तो आई होप आप लोग ने इनकी भी वीडियो देखी होगी, कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताओगे। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो अगर आपने वो जो शायद बीड़ी थी या जो भी था, अगर आपने उसको लिया था तो जला लेना चाहिए था, एज अ एक्ट करने के टाइम पे जला लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते हो कि आप पब्लिक में दिखा रहना चाह रहे हो कि मैं पी रहा हूँ या आपके घर वाले देख रहे होंगे, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, एक बार प्रैक्टिस कर लेना था, क्योंकि जो फूंकने का स्टाइल होता है वो भी अलग हो, क्योंकि ये मैंने खुद सीखा है। मैंने अभी एक अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी सलाह करके, उसमें मैंने भी सिगरेट पी और मेरे को भी नहीं, मैं भी पीता नहीं हूँ, तो मैं पिया तो मेरे को जो फूंकना आया हुआ ना वो फूंक नहीं पाया, तो वो चीज़ मेरे को लगी। एक बार आप लोग ज़रूर करना, अगर नहीं वीडियो में नहीं दिखाना चाहते हो तो एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करके उसके बाद कर लेना। ठीक, तो वैसे ये तो गलत बात है सब करना वरना मत, बट अगर एक्ट करने के लिए कर रहे हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के ये तीन कलाकार थे, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट कलाकार आप बनना, तो करना क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका, बस आपको अपनी इसी तरीके की वीडियो बनानी है और उसके बाद मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब देख रहे हैं 6388420361, इस नंबर पर आपको मेरे को शेयर कर देना और वहाँ पर हम देख लेंगे, हम हमारी टीम सब देख लेगी और जो टॉप थ्री रह गए वो नेक्स्ट संडे आपके सामने दिख जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ज़रूर अपनी प्रोफाइल शेयर करना और हमको शेयर करते करते कास्टिंग डायरेक्टर को भी ज़रूर शेयर करना, जो डिस्क्रिप्शन में है www.thestruggler.in पे। ओके, मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोस के साथ और भी नए नए थिएटर ग्रुप के साथ, जो कि मैं हर दिन आप लोग को बताता रहता हूँ, कोई अपडेट देता रहता हूँ, कभी कुछ मुंबई की बात बताता रहता हूँ, कभी कोई थिएटर ग्रुप के बारे में बताता रहता हूँ, कोई आपको ऑडिशन या एक्टिंग स्कूल के बारे में बताता रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के और भी अपडेट और न्यूज़ पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।